लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू, सब्जाजार, समनाबाद, गुलशन रावी, बेदियां रोड, एयरपोर्ट, जौहर टाउन, डिफेंस, गाजी रोड और दीगर इलाकों में रात भर वक्फे वक्फे से बिजली बंद। गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे, पानी खराबी के नाम पर मुसलसल कई कई घंटे बत्ती गुल। हर तरफ महंगाई ही महंगाई, मोटरवे पर टोल टैक्स की फीस भी बढ़ गई, 10 से 12 फीसद इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर करने वालों को अब टोल प्लाजे पर 620 की बजाय 680 रुपए अदा करने होंगे। मुसाफिर बसेस पर टैक्स 1980 से बढ़कर 2290 रुपए हो गया, वैगनों से 1020 रुपए वसूल किए जाएंगे। शाहदरा मोड़ के करीब ट्रक सड़क पर ही खराब, ट्रैफिक शदीद जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, स्कूल्स और दफातर को जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी। बरकी में 5 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मुलजिम इफ्तखार और हीरा के खिलाफ हुक्म जारी किया। सदारती इलेक्शन की तैयारी, पंजाब असेंबली का इजलास 4 सितंबर को सुबह 10 बजे तलब, इजलास कायम मुकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारे की जानिब से तलब किया गया। वोटिंग सुबह 10 ता शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इजलास का नोटिफिकेशन जारी, इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान असेंबली पहुंचा दिया। पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम लाने की तैयारियां मुकम्मल, अब्दुल अलीम खान 1 सितंबर को सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेंगे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी, हम नहीं हमारे काम बोलेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वज़ीर बलदियात की पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद देने की तकरीब में गुफ्तगू, ताजिरों के वफ़द से मुलाकात में उनके मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। और पंजाब कॉम्प्लेक्स में मौसीकार मुजाहिद हुसैन के साथ मौसीकी की महफिल का एहतमाम, गुलकार आरिफ लोहार, शाहिद अमीनी, नदीम अब्बास और दीगर ने आवाज का जादू जगाया।